हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 4 हमें दे रखा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द होल जीरोज। इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं उनका सम ये दे रखा है, प्रोडक्ट ये दे रखा है, तो बताओ वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी फॉर्मेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसके जीरोज निकलते हैं एक्स, ठीक है। तो इसमें जो दो एक्स की वैल्यू होंगी उन दोनों का सम ये दे रखा, प्रोडक्ट ये दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोज, जो एक्स की वैल्यू होती है उनका माइनस थ्री एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो हमें दे रखा है टू। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए और सीधी हमें इसकी वैल्यू दे रखी है तो हम एक फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, इसकी डायरेक्ट इक्वेशन बता सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो मेरा पॉलिनोमियल, मैं इसको मान लेता हूँ पी एक्स, जिसकी फॉर्मेशन होती है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी इसका तरीका है। इसके अलावा एक तरीका और भी है जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, आप उससे निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली ये ज़्यादा बेस्ट होगा। इसमें डायरेक्टली हमें इक्वेशन मिल जाती है, तो सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा, माइनस का थ्री, यहाँ रखा माइनस का थ्री, बाहर कौन है एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा मुझे टू, यहाँ लगा दिया टू, कितना हुआ माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो मेरा डायरेक्टली इक्वेशन आ गई, कितनी आई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। एक तरीका तो ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि सम ऑफ जीरोज, ये मेथड टू हो जाएगा मेरा, मेथड नंबर टू, सम ऑफ जीरोज वो इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है मेरा सी बाई ए। तो सब मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, माइनस का थ्री माइनस का बी बाई ए, प्रोडक्ट दे रखा है मेरा टू सी बाई ए, ठीक है। नीचे कुछ नहीं वन मान लिया, नीचे कुछ नहीं वन मान लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बी की वैल्यू मेरी कितनी आई थ्री, ए की वैल्यू मेरी इसके सामने कौन आ रहा है ए आ रहा है, ए की वैल्यू कितनी होगी वन, सी सी के सामने कौन आ रहा दो, ए की वैल्यू दोनों के अंदर क्या आ रहा है सेम आ रही, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन। नीचे कुछ भी नहीं है तो हम वन मान सकते हैं। तो हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कैसी फॉर्मेशन होती है, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए मेरा कितना है वन, बी मेरा कितना है थ्री एक्स, सी मेरा कितना है टू, आंसर तब भी मेरा वही आएगा, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बट ज़्यादा बेस्ट मेरे को ये लगता है कि आप इससे करो तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 5 को यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल नंबर 5 को यहाँ पे नोट कर दिया, बोला गया है वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस 1 बाय 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। पहले वेरीफाई करना है कि जो तीन जीरोज दे रखे हैं क्या वो इसी पॉलिनोमियल के हैं, अगर इसी पॉलिनोमियल के हैं तो इन जीरोज का और इसकी जो कोफिशियंट है, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशियंट कौन है 3 माइनस 5 माइनस 11 और 3, इनका इनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी हमें वेरीफाई करना होगा, ठीक है। जीरोज का मतलब होता है एक्स की वैल्यू जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की होगी, अगर ये इसके जीरोज हैं तो एक्स की वैल्यू इसमें रखने पर मेरा रिमाइंडर कौन शो करेगा, जीरो शो करेगा, ठीक है। पी एक्स मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पी एक्स ले लिया, कितना दे रखा मेरा 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, एक्स बराबर पहले मैंने चेक किया 3, एक्स की जगह मैं रख देता हूँ 3 को, अगर मेरा यहाँ पर P3 जीरो आ गया तो समझ लो ये इसका जीरोज होगा। x की जगह मैंने 3 रखा, 3 का क्यूब, x की जगह 3 रखा 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 रखा माइनस का 3,
3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, 27 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 81, 5 9 जा 45, 33 माइनस 3, ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों डिजिट माइनस के तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करने पे कितना आया 81, माइनस का 81 ज़ीरो आया, यानी पी थ्री रखने पे मेरा कितना निकल के आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अब चेक करेंगे 1 को, x की वैल्यू माइनस 1, दोबारा से यही पॉलिनोमियल होगा मेरा, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, x की जगह रखा माइनस 1, x की जगह रखा माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1, माइनस 1 माइनस का 3, माइनस 1 को माइनस 1 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर तो 1 ही आएगा, बट पावर ऑड है इसलिए किसका आ जाएगा माइनस में, 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, बट पावर इवन है तो आंसर किसमें आएगा प्लस में, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 वन जा 3, 5 वन जा 5, 11 माइनस 3, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों जोड़ के 5 3 8 3 11, प्लस का 11, 11 में से 11 का कितना है 0, तो माइनस 1 भी क्या रखने पे आया 0 आ रहा है, एंड फाइनल बच गया मेरा माइनस का 1/3, ठीक है, इसे भी चलो वेरीफाई कर लेते हैं। तो इनमें मैं लिख देता हूँ पहले, एक्स इज इक्वल टू 3 इज ज़ीरोज ऑफ पी एक्स, ये इसका ज़ीरोज़ होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इज ज़ीरोज ऑफ पी एक्स, ये भी इसका ज़ीरोज़ है क्योंकि यहाँ पे क्या रखा आ रहा है मेरा ज़ीरो आ रहा है, एंड फाइनल इक्वेशन बचती मेरी अब कितनी है मेरी 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, यहाँ रख दिया मैंने माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 की क्यूब, यहाँ पे रखा माइनस का 1/3 की स्क्वायर, माइनस का 1/3 माइनस का 3, देखो पावर ऑड है आंसर तो माइनस का ही आएगा, अगर पावर ऑड हो जैसे कि 1 3 5 7 9 तो आंसर आएगा नेगेटिव में, पावर इवन है 2 4 6 8 10 तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, ये ऑड है इसलिए माइनस का, 1 को 1 से 3 बार मल्टीप्लाई किया 1 ही आया, 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 3 9 9 3 27, पावर इवन है प्लस का आंसर आएगा, 1 1 जा 1, माइनस 1/3 को माइनस 1/3 से करने से तब भी आंसर प्लस में आएगा, 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 11 1 जा 11/3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, माइनस का 1/9, माइनस का 5/9, 11/3, माइनस का 3, ठीक है, एलसीएम लिया 9, 9 में 9 का डिवाइड दिया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आएगा, 9 में 9 का डिवाइड दिया 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 ही आएगा, 3 में 9 का डिवाइड दिया 3 3 जा 9, कितना आया 3, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, 11 3 जा 33, इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो डिवाइड करने वाला नंबर तो है नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27, ठीक, 33 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 27, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 33 कितना आया 0 आया, 0 में 9 का डिवाइड देने पे 0 ही आएगा, यानी कि माइनस का 1/3 भी इसी का 0 हो जाए क्योंकि 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज ज़ीरोज ऑफ पी एक्स यानी पॉलिनोमियल। अब वेरिफिकेशन करनी है इसके पॉलिनोमियल की इसकी कॉफिशियंट के साथ, ठीक है, चलो वेरिफिकेशन अगले पेज पे कर देते हैं। तो मेरी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3, जिसकी इक्वेशन होती होती है ax³ माइनस bx² माइनस cx प्लस सी प्लस डी सॉरी। कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 5, c की वैल्यू माइनस का 11 एंड d की वैल्यू माइनस का 3,
तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं, इसके जो जीरोज़ हैं उनको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, पहला जीरोज़ थ्री, दूसरे को मान लेता हूँ बीटा माइनस वन, एंड तीसरा जीरोज़ गामा माइनस का वन बाय थ्री। ठीक है, इनके कोफिशिएंट में और जीरोज़ में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल आना चाहिए माइनस बी बाई ए के। चलो चेक करते पहले इसी हुई, अल्फ़ा थ्री, बीटा माइनस वन, गामा माइनस वन बाय थ्री, बी, बी की वैल्यू माइनस फाइव, ए की वैल्यू थ्री। तो देखो तीन में से एक गया दो, प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं सीधा गुणा कर देंगे, तीन दूनी छः माइनस एक, छः में से एक गया पाँच, पाँच बटे तीन, पाँच बटे तीन, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही राइट हैंड साइड के, यानी ये तो रिलेशन इसका करेक्ट है एकदम। पहला चेक हो गया, दूसरा रिलेशन चेक करते हैं। दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल होता है सी बाई ए के। चलो इसे चेक करते हैं, अल्फ़ा थ्री, बीटा माइनस वन, बीटा माइनस वन, गामा माइनस का वन बाय थ्री, गामा माइनस का वन बाय थ्री, अल्फ़ा थ्री इक्वल आना चाहिए सी के, सी कितना माइनस इलेवन बाई ए, ए कितना थ्री, थ्री वन जा थ्री माइनस का थ्री, माइनस इंटू माइनस प्लस वन बाय थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हुआ प्लस माइनस माइनस, माइनस का तीन माइनस का एक माइनस का फोर। इसके नीचे कुछ नहीं सीधा गुणा कर देंगे, चार तीन बारह प्लस एक, बारह में से एक गया ग्यारह, बड़ा माइनस का तो निशान आएगा माइनस का, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई मेरी राइट हैंड साइड के। तो ये रिलेशन से भी इसका चेक हो गया। एंड फाइनल जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा थ्री, बीटा माइनस वन, गामा माइनस का वन बाय थ्री, डी, डी की वैल्यू माइनस का थ्री, ए, ए की वैल्यू थ्री, ऊपर थ्री नीचे थ्री कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री से थ्री कट गया, वन इक्वल किसके आ गया वन के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, और इसी के साथ मेरा इनका कोफिशिएंट का और जीरोस का रिलेशनशिप यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही तीनों की तीनों, तो मतलब मेरे जीरोस बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ मेरा एग्जांपल नंबर फाइव यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।